भारत अजूबों से घिरी हुई भूमि है, जिसके दीवाने हम और आप ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ की असीम खूबसूरती को देखने आते हैं। दुनिया के अजूबों के बारे में तो आप जानते ही होंगे, हम इस वीडियो में भारत के 7 अजूबों के बारे में जानेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे। पहला, स्वर्ण मंदिर। सिख समुदाय का तीर्थ स्थल स्वर्ण मंदिर पंजाब के अमृतसर में स्थित है। आपको बता दें कि यह मंदिर सिख समुदाय के सबसे पुराने गुरुद्वारों में से एक है। यह गुरुद्वारा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में नक्काशी के लिए जाना जाता है। इसके चारों तरफ सरोवर है, जो कि इसकी सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं। दूसरा, गोमतेश्वर। जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, गोमतेश्वर के नाम से मशहूर एक मूर्ति है जो कर्नाटक में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इस मूर्ति को 1883 ईस्वी में एक ही पत्थर से तराश कर बनाया गया था। इस मूर्ति तक पहुंचने के लिए 618 सीढ़ियों को चढ़कर जाना पड़ता है। इस मूर्ति की ऊंचाई 60 फीट है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस विशाल मूर्ति को एक ही पत्थर से कैसे बनाया गया होगा और इतनी ऊंचाई पर कैसे पत्थर को लाया गया होगा। तीसरा, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय, जो आज एक खंडहर की शक्ल ले चुका है, बिहार की राजधानी पटना से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इतिहास का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, जहां कभी इतिहास में 10,000 छात्रों को 2,000 शिक्षक अध्ययन कराते थे। नालंदा विश्वविद्यालय 500 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक एक संपन्न विश्वविद्यालय था। हालांकि इसके बाद आक्रमणकारियों द्वारा इसे नष्ट कर दिया गया था, जिसके बाद अब यह खंडहर का रूप ले चुका है। चौथा, ताजमहल। आगरा में स्थित ताजमहल भी दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। आप सबको तो पता ही होगा, इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था। ताजमहल का निर्माण 1632 में किया गया था। इसे बनाने के लिए करीब 15 साल का समय लगा था। इसे बनवाने के लिए शाहजहां ने दुनिया भर से सफ़ेद संगमरमर मंगवाए थे। सफ़ेद संगमरमर से बना ताजमहल बेहद खूबसूरत है। इसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर को 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। आपको बता दें कि यह मंदिर ब्लैक पोगार नाम से प्रसिद्ध है। अद्भुत वास्तुकला का नमूना यह मंदिर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। हालांकि समय के साथ यह मंदिर अपना असली रूप खोता जा रहा है। इस मंदिर की खास कलाकृति में से इसे 7 घोड़ों द्वारा आकाश की तरफ ले जाते हुए बताया गया है। साथ ही इस मंदिर की शुरुआत में आपको सिंह और हाथी की मूर्ति देखने को मिल जाएंगे। छठवां, खजुराहो मंदिर। मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो मंदिर में कई सारी कामुक मूर्ति देखने को मिलती है। यह मूर्तियां इस मंदिर को सबसे अलग मंदिर बनाती है। इस मंदिर में जैन और हिंदू धर्म की मूर्ति भी देखने को मिलती है। वैसे इस मंदिर के निर्माण की बात करें तो इस मंदिर को चंदेल साम्राज्य के शासनकाल के दौरान 950 और 1050 ईस्वी के बीच बनाया गया था। यह मंदिर अपनी अनोखी वास्तुकला के कारण पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में फेमस है। सातवां, हम्पी मंदिर। यह मंदिर उत्तरी कर्नाटक के विजयनगर शहर के खंडहर के भीतर स्थित है। यह भी अपनी वास्तुकला के कारण देश भर में प्रसिद्ध है। इस मंदिर में भारत की लगभग हर वास्तुकला का अंश देखने को मिलता है। यहाँ आप कई तरह की मूर्तियों के साथ महलों, अस्तबलों और बुर्जों का संग्रह भी देख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण माता सीता की तलाश करते हुए इस मंदिर का दौरा किया था।